हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ में आलू सूजी फिंगर्स की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। किसी भी तरह की पार्टी के लिए यह डीप फ्राइड आलू सूजी क्रिस्पी रेसिपी स्नैक या स्टार्टर के तौर पर सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जिसे बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आलू सूजी फिंगर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी ली है। तो जितनी हमने सूजी ली है ना, उतना ही हमें पानी लेना है। तो मैं सूजी को कटोरी में डाल देती हूँ और इसी कप से हम पानी को भी नाप लेंगे। आधा कप सूजी के साथ मैंने यहाँ पर आधा कप पानी एक अलग बर्तन में रख लिया है। और अब पानी में एक चम्मच तेल डालें, हमें इस पानी को अब उबाल लेना है। चलिए, गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और पानी के उबलने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसमें सूजी ऐड कर दें। अब सूजी और पानी को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख दें। इस तरह से सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आलू सूजी फिंगर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। जब तक सूजी ठंडी हो रही है, हम आलू को छील लेंगे और इसे हम मैश कर लेंगे। दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। चलिए, आलू हमने छील लिए हैं। अब हम आलू को इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे, या फिर आप इन आलुओं को कद्दूकस भी कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। आलू को इस तरह से मैश करने के बाद एक बार चेक कर लें, आलू में कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो नहीं हैं। इधर हमारी सूजी भी अच्छी तरह से फूल गई है और हल्की सी गर्म है। तो अब इस सूजी को हम एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से हम मसल लेंगे। सूजी अभी हल्की सी गर्म है, इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लें और एक सॉफ्ट डो जैसा बनाकर तैयार कर लें। अगर आपको लगे कि सूजी हाथों में चिपक रही है, तो हाथों में हल्का सा तेल लगा लें, इससे सूजी हाथों में चिपकेगी नहीं। आप देख सकते हैं कि मैंने सूजी को बहुत अच्छे से मसल लिया है और यह एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम सूजी में मसले हुए आलू ऐड कर देंगे। साथ में डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, और यह बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से हम आटा मलते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसे मिक्स करते हुए एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। आलू फिंगर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, जिससे कि यह मिश्रण हाथों में चिपके नहीं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक छोटा गहरा चम्मच लिया है और अब इस मिश्रण को मैं चम्मच में डाल दूंगी। इसका कारण बस यही है कि सभी आलू सूजी फिंगर्स एक ही साइज के बनेंगे। अब इस मिश्रण को हथेलियों के बीच में रखकर लंबाई में शेप देते हुए रोल कर लीजिए। छोटी मोटी पार्टियों के लिए यह बहुत ही बढ़िया स्नैक है और यह खाने में बहुत ही कुरकुरा होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इसी प्रक्रिया के मुताबिक सभी आलू सूजी फिंगर्स को आप बनाकर तैयार कर लें। हम यहाँ पर आलू सूजी फिंगर्स बनाते जा रहे हैं और साथ में मैंने यहाँ पर तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने मिश्रण में से छोटी गोली बनाकर तेल में डालकर चेक कर लिया है, तेल यहाँ पर मीडियम हॉट है। गैस की आंच को मीडियम रखते हुए हम सभी आलू सूजी फिंगर्स को एक एक करके तेल में डालते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि हमें गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो ये फिंगर्स ऊपर से तो अच्छी तरह से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे ही रहेंगे। आलू फिंगर्स को सभी तरफ से अच्छी तरह से पलट पलट के डीप फ्राई कर लें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करें। दर्शकों, आपने भी पहले कभी इस तरह से आलू सूजी फिंगर्स बनाए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं, और अगर आपके पास में कोई सुझाव है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे आलू सूजी फिंगर्स अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे एक किचन टॉवल पर निकाल लूँगी।
सारे आलू फिंगर्स को इसी तरह से बनाकर तलकर तैयार कर लीजिए। आलू सूजी फिंगर्स को और भी ज़्यादा स्पाइसी और चटपटा बनाने के लिए आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार मसाले भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसमें काली मिर्ची का पाउडर डाल दें या तो फिर इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चलिए, हमारे कुरकुरे और क्रिस्पी आलू सूजी फिंगर्स बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। किसी भी पार्टी के लिए या किसी खास मौके पर आप इस तरह से आलू सूजी फिंगर्स बनाएं और इसका आनंद उठाएं। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं और अंदर तक अच्छी तरह से सिके हैं। इसे आप गर्मा गर्म हरी पुदीने की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ में सर्व कीजिए। तो दर्शकों, तैयार है हमारे आलू सूजी फिंगर्स। आप भी मेरे इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और ज़रूर एक बार इस तरह से आलू फिंगर्स बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।